साथ में कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की कई मंत्री और नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और वन मंत्री सुखराम विश्नोई से संवाददाता अश्विनी ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। अहमदाबाद में आज राहुल गांधी की सभा हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया है। परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन के आयोजन में गुजरात में सरकार को बदलने के लिए कांग्रेस ने कमर कसी है। हमारे साथ राजस्थान से दोनों मंत्री हैं, शकुंतला रावत जी हैं। मैडम, क्या आज का जो पूरा संदेश है वो क्या संदेश जाता है और क्या दिखता है आपको गुजरात में? आज की जो मीटिंग थी, सम्मान्य राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जितने भी हम मंत्री हैं प्रभारी, चाहे हमारे सुखराम जी हों, भंवर सिंह भाटी जी हों, बामणिया जी हैं, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हैं, गोविंद राम मेघवाल जी हैं और एमएलए भी थे, सुरेश जी, अमीन जी, बहुत सारे हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हमने देखा है सभी जगह जाकर के। हमें जिले की भी जिम्मेदारी दी गई है, जैसे मुझे सुरेंद्र नगर की दी गई है, तो वहाँ पर अभी हमारे जो पहले तो सारे ही एमएलए कांग्रेस के थे, तो अब आप जानते हैं कि भाजपा की नीति खरीद फरोख्त वाली रह रही है। फिर भी माहौल पूरे ऑल ओवर गुजरात में जहाँ भी हम घूमे हैं, हमने देखा है सभी ने, तो जनता के अंदर बहुत ही जोश है कांग्रेस को लाने के लिए, कि वो कह रहे हैं कि महंगाई से सबसे बड़ी जो मांग है जनता की वो है कि महंगाई से बहुत त्रस्त हो गई है, अब हमें कांग्रेस ही चाहिए, ऐसी जो गुजरात की हर चुनाव में लगता है कि पिछले चुनाव में लग रहा था कि इस बार कांग्रेस अच्छा कर लेगी और आ जाएगी, वो आप देखते हैं कि कभी कभी थोड़े से रही थी, थोड़े से मार्जिन से कांग्रेस पार्टी रही थी और इस बार नहीं रहेगी थोड़े से भी मार्जिन से, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनेगी। सुखराम जी, यहाँ पर आप हैं गुजरात में, आपने देखा भी है, क्या ये जो थोड़ा सा अंतर है आज राहुल गांधी ने मंच से कहा, थोड़ा सा जो अंतर है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? राजस्थान के आप सब नेताओं का डेरा है यहाँ पे। पिछली बार सिर्फ 7-8 एमएलए का फर्क था, तो लोगों में आज जो जोश और जुनून हम देखा, वाकई में बड़े लोग उत्साहित थे और बीजेपी के प्रति बड़ा आक्रोश था। हमारी ड्यूटी बनेगी आने वाले दिनों में, हम सभी को इनको संगठित करके और मतदान के दिन बीजेपी के खिलाफ मतदान करें। महंगाई का, बेरोजगारी का और दूसरे मुद्दे हैं, कुछ राजस्थान की योजनाएं हैं जिनको राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सरकार बनती है गुजरात में तो वो योजनाएं यहाँ पर लागू करेंगे, तो एक तो क्या राजस्थान की योजनाएं मतलब देश भर में? मुख्यमंत्री जी, हमारी जो चिरंजीवी योजना है स्वास्थ्य योजना, वाकई में तारीफ काबिल है। 10 लाख तक का बिल्कुल 850 रुपये पे बीमा फ्री है, मतलब एक्सटेंड होता तो उनका 5 लाख क्लेम अलग से है। फ्री शिक्षा बच्चियों को देंगे, किसान का कर्ज माफ, राजस्थान में फ्री शिक्षा देंगे, बिजली में फ्री किया है, मतलब बहुत सारा काम माननीय गहलोत साहब ने किया, तो वो उन योजनाओं से प्रभावित होकर राहुल जी ने घोषणा की है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनेंगे, किसानों को कर्जा माफी जो भी घोषणा है उनको पालना करेंगे। दिसंबर में गुजरात में असेंबली का चुनाव होना है और राजस्थान के सब नेताओं का गुजरात में डेरा है। रघु शर्मा पहले ही इंचार्ज हैं, बाकी मंत्री लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी ने आज सभा की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जो पिछली बार थोड़ा अंतर जीत कर रह गया वो इसे पूरा कर लेंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद।